कैमरा कैमरा मारे कैमरा मारे कैमरा मारे क्या कहाँ जा रही है? मेरे वीडियो को बनाना ही पड़ेगा। अरे अरे इतनी रात को कोई नहीं है, बट वहां से आवाज कहाँ से? जैसे दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश सोनी और नियांग वाले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल डर के वजह से मैंने आपको नहर का वीडियो नहीं दिखा पाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कोई तो परछाई वहाँ पे दिखी थी। तो आज मैं वही वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, वही लोकेशन पे जहाँ पे मैं आपको वो नहर दिखाऊंगा जहाँ पे वो एक्सपायर हुआ था और कोई गिर के मरा था वहाँ पे। तो वही नहर आज दिखाऊंगा आपको और आगे देखते हैं कि वो परछाई जो हमको दिखी थी वो किसकी थी, आज दिखती है कि नहीं, वो पहले चेक करते हैं हम दिखती है कि नहीं। तो चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं वही जगह को। मैं आपको नहर दिखा देता हूँ, यहाँ पे लाइट चालू कर रहे हो, मैं आपको नहर दिखाता हूँ। देखो ये नहर है, यहाँ पे पानी शायद अंधेरे की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यही पानी है जहाँ पे बहुत लोगों की गिर के जान चली गई है। आगे चलो, कुछ आवाज आई, चलो। यहाँ पे आते ही मुझे नेगेटिव वाइब्स आने लगी, नेगेटिव फीलिंग आने लगी है, कुछ ना कुछ तो अजीब सा फीलिंग आ रहा है मेरे को, बहुत ही डर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वो झाड़ देखो यार, तो यहाँ पे इतना अंधेरा है ना कि क्या बताऊँ आपको। और जो लोग बोलते हैं कि मैं मतलब व्लॉग्स बनाता हूँ अच्छा नहीं बनाता हूँ, तो आप मेरे साथ आइए खाली जगह पे और ऐसे अननोन प्लेस पे आइए और देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं मेरे साथ, तब आपको लगेगा कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, वो देखिए अब आपको साफ दिख रहा होगा, ये नहर है। ठीक है, देखिए आवाज़ भी आ रही है उसमें से, और आसपास देखिए कितना घना अंधेरा है, कितना घना जंगल है, चारों तरफ खेत ही खेत है। और टाइम आपको बता दूं कि 1:30-2 के आसपास टाइम हो रहा है। वैसे गांव में इतनी रात को वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, यहाँ पे 8-9 बजे ही लोग सो जाते हैं। यूपी वाले लोग जानते रहेंगे कि 8-9 बजे लोग सो जाते हैं, बट फिर भी मैं रिस्क लेके 1-2 बजे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए नहर, इतनी रात को कोई नहीं है, बट वहाँ से आवाज़ कहाँ से है? जैसे कोई डूबा अभी। वही तो भाई, भाई चले घर, भाई डर लग रही है, आवाज आ रही है। आप लोग को आवाज आ रही है साइड से? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं भाई। भाई मेरे को डर लग रहा है, चले घर, जैसे कोई चिल्ला रहा है। यस भाई, भाई चले घर, देखते हैं आगे चल के, नहीं तो व्यूअर्स को लगेगा कि मैं डर के भाग जाता हूँ तो मैं बनाता क्यों। नहीं भाई, मेरे को डर लग रहा है, चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ से आवाज आ रहा है, वो तो देखना तो पड़ेगा। यस चलिए भाई, अभी बीच में एक बहुत बड़ी ट्रक आ रही थी इसलिए मुझे वीडियो स्टॉप करना पड़ा था, बट वहाँ दूर से कुछ तो आवाज़ आ रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्स है वहाँ पे, मेरे को सच में फील हो रहा है, कुछ तो नेगेटिव वाइब्स फील हो रहा है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको कि वॉल्फ लोग होते हैं ना, सियार लोग, वहाँ से उनकी आवाज़ आ रही है बहुत जोर के चिल्लाने की, तो वही मुझे लग रहा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, मैं बस यही मना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं नहर में से भी किसी का तो आवाज़ आया अभी कि जैसे कोई डूबा, बट इतनी रात को नहर में कौन हो सकता है। आगे जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, क्या नहीं होता है। अरे भाई इतना ज्यादा डरावना है भाई, नहीं भी लोगों के लिए वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। अरे भाई कुछ आवाज आई, कुछ बोल रहा है ना भाई। भाई यहाँ से चले जाओ,
गाइस आप लोग को कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ क्या ये कि यहाँ से चले जाओ, कोई हमको बोल रहा है यहाँ पे। चलना चाहिए यहाँ से। हाँ भाई मेरे को डर लग रहा है। इतनी रात को रिस्क नहीं लेना चाहिए। यस भाई। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस देखिए मैं वो लोकेशन से थोड़ा दूर आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे अजीब अजीब सा आवाज़ आ रहा था, नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। ऐसा डर मुझे, इतने सारे वीडियोस मैंने बनाए बट ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैं यहाँ पे बोलते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया यूपी में ये सब ज़्यादा चीज़ होते हैं, तो मैं रिस्क लेके यहाँ पे आया हूँ। बट आप लोग ये घर पे ट्राई मत करना। बहुत कुछ मुझे करना पड़ता है, बहुत कुछ मैं लेके चलता हूँ अपने साथ तभी ये सब चीज़ मैं कर पाता हूँ, वैसे मत कीजिए। बट कल जो परछाई मुझे दिखी थी वो परछाई मुझे आज नहीं दिखी है। बस आवाज़ें आई है, कोई हमको डराने की कोशिश कर रहा था कि सच में आवाज़ आ रहा था, वो मुझे कुछ नहीं पता। जो यहाँ पे रहते हैं लोग वो मेरे को बोल रहे थे कि वहाँ पे मत जा, यहाँ पे सच में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा, तो इसीलिए मैं रिस्क लेके आया था हूँ। बट वो आवाज़ सुनने की वजह से मैं जल्दी वीडियो ख़त्म कर, इतना डर लगा कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मैं रात को सो पाऊँगा कि नहीं मुझे खुद नहीं पता। आप ये घर पर मैं ट्राई कीजिए और बच्चे जो डरते होंगे वो ये वीडियो ना देखें, ठीक है भाई। पीछे कोई दिख रहा है? सच में भाई कोई दिख रहा है भाई? वो कौन है फिर से भाई? कैमरे में आ रहा है क्या? यस भाई कैमरे में आ रहा है। वो अपना कौन है वो भाई? कली वाली सेम परछाई। यस सेम परछाई। यस भाई यस भाई यहाँ पे दिख रहा है। यस भाई कोई ज़ूम करो, नहीं दिख रहा तो ज़ूम करो। चलना चाहिए यहाँ से, चलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए यहाँ से। हाँ भाई। तो दोस्तों मैं वो लोकेशन से दूर आ गया, वहाँ पे वो परछाई फिर से दिखी जो कल हमको दिखी थी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट अगर देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। और मैं बहुत सारे तरीके सीख रहा हूँ, जैसे इंटरेक्ट करने का जो तरीका होता है वो मैं सीख रहा हूँ बहुत सारे लोगों से। मेरे पहचान में ऐसे लोग हैं मेरे परिवार में जिससे मैं सीख रहा हूँ। तो आगे आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मिलेंगे जिसमें मैं सामने से इंटरेक्ट करूँगा उनसे, ठीक है। तो वो सीख के वो वीडियो मैं आपको बनाऊँगा। कैसी लगी वीडियो देख के ज़रूर बताना कमेंट्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, अच्छी लगे तो शेयर कर लो, ठीक है। इतना मेहनत कर रहा हो यार, एक सब्सक्राइब को बनता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।